नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या है आखिर वो सच जो आज तक आपके सामने नहीं आया। नमस्कार मैम, आपका नाम? शकुंतला। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? 15 साल से आ रही। आप इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, एक महिला है, तो आपको क्या लगता है आपका यहाँ आना सेफ है? यहाँ कितनी कोई क्रोध में आवे, कितनी कोई परेशानी में आवे, एक बार सोए जाए और सोए के जगह लेट के तो जा लगता है मेरे आगे कोई परेशानी नहीं है, और सारी परेशानियाँ एकदम शांति शांति ठंडक मिलती है, और कोई हम तो गलत तो आज तक नहीं, हमने कोई कुछ नहीं देखो गलत, हम तो सही सही देख रहे और खूब सुख शांति देख रहे। पर जे कह रहे तो बिनको को हम रोक सकते, भी तो कह ही रहे जो मर्जी आए, कह रहे बाबा तो कह रहे। और आपका आज भी इतना विश्वास है, इसके पीछे क्या कारण है? अब जे कारण तो ये झूठ, पिताजी ने जो शराब छुटाई वो शराब को ठेका बंद भये, बाप है दुश्मन ही चली पिताजी की, और जो मांस मच्छी छुटाओ वो अलग हट जाओ, वो मांस मच्छी छुटाओ जो बा को कसायन को दुख भाओ, बाकी बुराई पिताजी के ऊपर आई, और कहीं समाज में कोई परेशानियां कोई घटना आई हुई पिताजी ने तुरंत ही संग दोगे और संगत भेजी होगी और सामग्री भेजी होगी कि जाओ माँ मदद करो जाए, कि नहीं पिताजी खुद गए होंगे कि चलो माँ ऐसे परेशानी संगत लेके तुरंत चले होंगे, पर बाबा तो नहीं कह रहे बुराई कर रहे। हाँ। गुरुजी को समाज में होना चाहिए, गुरुजी को समाज में ही आना चाहिए, और दुनिया में गुरुजी आए तो तारवे के लाए आए, पर हम तो अब 3 साल लगे बिल्कुल दर्शन नहीं कर पा रहे, तड़प रहे हैं, सरकार ने ऐसे बंधन कर दिए इनके लाए कि हम कई स्वरूप नहीं देख सका था। वैसे तो हमारे पास मेरे स्वरूप है, पर देह रूप में भी नहीं हम देख सका। दूसरी बात, वे कहीं जाते कहीं भी सत्संग करवे जाते हमारे लाए बापे स्क्रीन पे भेजते और बात करते, बच्चन ते अपने संबंध ते पूछते कैसे हो क्या बात है, पर आज तो कोई बात नहीं मिल रही, कोई ऐसे डरे जैसे कि यानी कितने कर्म कांड बुरे कर्म कर दे, सो हम ऐसे सरकार ने बंधन बांधो गुरुजी के लाए कहा कहते हैं। अब तड़प रही है, तड़फे तो क्या होता है, कभी कभी दिल ऐसा करता है कैसे चली जाऊँ क्या करूँ, पर नहीं कहीं नहीं जा सकती हूँ। हाँ, जब पिताजी की पूरी कोई कष्ट पूरा है जाओ आ जाएंगे। आज भी आपका वही श्रद्धा वही विश्वास? तो जब ही तो आती हूँ भज भज के काय के लाए आ रही हूँ कि हमारे पिताजी ने कोई गलत करो ही नहीं तो मैं नहीं आऊँ, मैं तो आऊँगी डेरे में। हाँ, मैं तो आऊँगी, बराबर आऊँगी, जा दिन मेरे पिताजी आ जाएंगे तब दिन आऊँगी, और अब नहीं है तब तलक पूरी ड्यूटी बजाऊँगी। हाँ, आज गुरुजी समाज में नहीं है तो इसका क्या प्रभाव समाज पे दिखाई दे रहा है? अब देख तो रहे चारों तरफ से, कहीं आंच लग रही, कहीं लड़ाई है रही, कहीं कुछ है रहा है, हाई आ फैली, कोई शांति तो कहीं दिख रही नहीं है। पहले तो कितनी शांति आती, अब तो जा दिन तो पिताजी गए ता दिन तो हाई आ हाई आ, कहीं लड़ाई कहीं मार काट कहीं चोरी कहीं कहीं कच्छ है कहीं कच्छ, किसान देखो पड़े हैं उधर, हाई आ फैली के नहीं फैली, हाई फैली है, तसल्ली कहीं भी नहीं है। हाँ, तब भी सरकार के समझ में नहीं आ रही, साधु संतन को इतने कष्ट दे रहे, जे समाज सरकार पढ़ी लिखी होगी कभी कुछ तो पढ़ो ही होगा, वैसे किताबन में लिख के आते, मैंने दूसरी की क्लास पढ़ी थी वहाँ में लिखी थी साधु दयाल होते हैं, तो जे इतना बड़ा सरकार बनाए गए जिनके इनने कहीं पढ़ी नहीं होगी कि साधु का चीज होता है, तब भी जे आंधरे रहे तो मैं क्या कर सकती, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो अपने पिता जी की भलाई बुराई तो मैं कैसे कर दूँ, मैंने कुछ बुरो देखो हो तो मैं बुरी कह देती, मैंने तो कुछ बुरो देखो नहीं है, मैं तो अच्छो देखो हर बात में अच्छो, खा बेते पहर बेते रुपये आते पैसा आते बीमारी थे, मुर्दन में जान डारी है, मुर्दन में जान डारी, जिनके बच्चा नहीं है बिनके कोख में बच्चा पैदा करे और क्या करवाओगे, जिनकी शादी नहीं हरी बिनको शादी करवाई, और गरीब के लाए मकान दुकान बनवाए, और गरीबन के लाए हर कुछ करो, मैं कैसे कह दूँ आखिर ते अबे अबे जनवरी पे कितने समाज के लाए कितनों का करो कितनी चाबियाँ दई गई, तो सरकार देख रही नहीं होगी, सरकार तो का कर रही है बुराई बुराई कर रही है, पर जिंदगी को ख्याल नहीं कर रही कि मेरे जिंदगी में हम काऊ को बुरे बोल रहे तो मेरे काजो जाको नतीजा का हाल होगा, जेऊ ना सोच रही है सरकार तो।
आप अपने वीडियो द्वारा क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? मैं तो सरकार तक जय पहुंचा रही हूँ कि हमारे जो पिताजी है ना अपने पास रख ले और हमारे डेरे में पहुंचा दो, हम भी दर्शन कर ले, सत्संग कर जाओ करे और मर्जी आता रख ले सरकार, हम जा नहीं कह रहे कि हमारे पास भेज दो, हमारे पास भेज दो और अपने पास रख लो। हाँ, हम जय संदेश पहुँचाओ चाहती हूँ और जय मैं कहो चाहती हूँ। जी मैम, धन्यवाद।